discussing about digital thermometer, maximum and minimum thermometer, and how does heat travel. Okay, in the previous video I have told you about the clinical and laboratory thermometer, and the first point which we will be discussing in this video today is the digital thermometer. So dekhte hain kya hota hai. As you can see in the screen, I have mentioned the slide regarding digital thermometer. Here you can see that it's a digital thermometer. Okay, it's a digital thermometer and it has dual mode, that is it can show you, ये आपको Fahrenheit और Celsius दोनों में temperature दिखाएगा, ठीक है. और इसमें mercury नहीं होती है. क्लिनिकली एक्यूरेसी होती है, मतलब कि क्लिनिकली अप्रूव्ड है डॉक्टर्स द्वारा कि हम लोग इसे फॉर टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग आप बॉडी टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं. आइडल फॉर पेडियाट्रिक एंड अडल्ट यूज़, पेडियाट्रिक और अडल्ट यूज़ के लिए ये आइडल है. डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. तो चलो देखते हैं होता क्या है बेसिकली. ये द डिजिटल थर्मामीटर is a battery operated thermometer with connected measuring sensors and easy to read LED display. डिजिटल थर्मामीटर एक बैटरी ऑपरेटेड थर्मामीटर होता है, मतलब कि जो हमारे डिजिटल थर्मामीटर नहीं होते हैं, जो मर्करी वाले थर्मामीटर होते हैं, उनमें आपको कोई बैटरी नहीं डालनी पड़ती है. लेकिन अगर आपका डिजिटल थर्मामीटर है तो जैसे आपकी घड़ी में बैटरी डालते हो आप लोग, क्लॉक में बैटरी डालते हो, रिमोट के रिमोट में बैटरी डालते हो, वैसे इसमें रिमोट में सेल डालते हो, वैसे इसमें आपको बैटरी या सेल डालना पड़ता है. विथ कनेक्टेड मेजरिंग सेंसर, कनेक्टेड मेजरिंग सेंसर मतलब कि इसमें मेजरिंग सेंसर लगा रहता है जो आपका टेम्परेचर बॉडी का मेजर करता है. और इसमें एक LED होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो स्क्रीन है वो LED डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है, जिसमें आपको अपना टेम्परेचर दिखता है. ये है आपका मेजरिंग सेंसर जो मेज़र करता है आपका टेम्परेचर. इट जनरेट ग्रेट एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग, इसमें आपको अच्छी और एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग मिलती है आपकी बॉडी की. इट इज़ मेड ऑफ ड्यूरेबल प्लास्टिक मटीरियल एंड सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट सच एज रेफ्रिजरेंट कैबिनेट, डिस्प्ले कैबिनेट एंड सो ऑन. मतलब कि आप किसी भी टाइप के रेफ्रिजरेटर में इसको रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में, ठीक है. तो डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, एक बैटरी ऑपरेटेड थर्मामीटर जिसमें हम लोग सेल या फिर कोई भी बैटरी बैटरी से वो ऑपरेट होता है, ठीक है. ऑपरेट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसमें बैटरी और सेल नहीं लगाओगे तो वो चल नहीं पाएगा. उसको चलाने के लिए आपको उसे बैटरी और सेल लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपनी घड़ी घड़ी में लगाना पड़ता है, घर की जो क्लॉक होती है और रिमोट होते हैं उनमें. आगे इसमें मेजरिंग सेंसर लगा होता है और ये होती है इसकी LCD डिस्प्ले, ठीक है. तो ये था हमारा ऑल अबाउट डिजिटल थर्मामीटर. अब हम लोग पढ़ेंगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आई हैव मेंशन अ पॉइंट रिगार्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. द मैक्सिमम एंड थर्मामीटर रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द मिनिमम थर्मामीटर द लोएस्ट टेम्परेचर फॉर द डे और अ पीरियड. मतलब कि बेसिकली हमारा मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एंड टेलिंग दैट वेदर का कंडीशन आपका कैसा रहेगा, ठीक है. जितना भी आपको वेदर कंडीशन पता चलता है कि आपकी आपके फ़ोन में देखते हो लिख के आता है कि आज यहाँ पे बारिश होगी और इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, 28 डिग्री सेल्सियस, तो वो कैसे पता चलता है, वो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर नापा जाता है और फिर अनुमान लगाया जाता है कि क्योंकि आज इतना है और मौसम की कंडीशन ऐसी हैं तो अगले दिन कितना रहेगा, ठीक है. तो जो मैक्सिमम थर्मामीटर होता है वो रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट टेम्परेचर किसी भी दिन में किसी भी एरिया का, और मिनिमम थर्मामीटर रिकॉर्ड करता है लोएस्ट टेम्परेचर किसी भी दिन और किसी भी पीरियड, पीरियड मतलब एक हफ्ते दो हफ्ते के पीरियड मान लो, और दिन तो आप लोग जानते ही हो. तो किसी भी दिन का अगर लोएस्ट टेम्परेचर आपको मेज़र करना है साइंटिस्ट को, तो वो लोग मिनिमम थर्मामीटर यूज़ करते हैं. और मैक्सिमम थर्मामीटर किस लिए, हाईएस्ट टेम्परेचर किसी भी दिन में किसी भी प्लेस के लिए, ठीक है. अब देखो ये बना कैसे रहता है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर वाला है मैक्सिमम टेम्परेचर और नीचे वाला है मिनिमम टेम्परेचर वाला थर्मामीटर. मैक्सिमम थर्मामीटर में देखो यहाँ पे आयरन इंडेक्स लगी हुई है और ये आपका मर्क्यूरी है, ठीक है. और जो आपका आपको मिनिमम दिख रहा होगा इसमें यहाँ पे आगे अल्कोहल लगा रहता है. मैक्सिमम में आपके मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है और मिनिमम में आपके अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ये था ऑल अबाउट हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर.
अब हम लोग पढ़ेंगे कि हीट कैसे ट्रैवल करती है, जो आप लोगों की गर्मी होती है, जो आप लोगों का क्या बोल सकते हैं उसको, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो कैसे ट्रैवल करती है ये देखेंगे, ठीक है। हाउ डज हीट ट्रैवल, वन सेक, हाउ डज हीट ट्रैवल, हीट ट्रैवल्स फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है, मतलब कि अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से हीट निकल के कहाँ जाएगी, जो उससे ठंडा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर आप बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल लो तो कुछ देर में वो गर्म होने लगती है, क्यों, क्योंकि हीट, आपने बर्फ़ निकाल के रखा तो आपके आपके रूम में या फिर आपने कहीं पर ही बर्फ़ रखी है तो जो अगल बगल एटमॉस्फेयर में हीट होगी वो किस तरफ जाएगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, बर्फ़ की तरफ, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल जाएगी जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई गर्म पैन, मान लो पैन छोड़ो, अगर मान लो आपकी मम्मी तवे पर रोटी बनाती हैं और फिर आपका वो तवा गैस से उतार के किनारे रख देती हैं, ठीक है, कुछ देर बाद आप देखते हो उसके अगल बगल कोई भी चीज़ रखी हो वो गर्म होने लगती है, ठीक है, और आपका तवा जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्यों, क्योंकि हीट उस गर्म तवे से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, ठीक है। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से किस तरफ ट्रैवल करती है, लो टेम्परेचर की तरफ। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की एक टाइप है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा की टाइप है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। अब कोई चीज़ अगर गर्म है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा और कोई चीज़ अगर ठंडी है तो उसका टेम्परेचर लो होगा, दैट मीन्स हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलती है, इसका आप सबसे ट्रैवल करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक आइस क्यूब का है, आइस क्यूब कोल्ड होती है तो उसके अगल बगल जो भी एटमॉस्फेयर होता है जब आप उसको बाहर निकालते हो फ्रिज से, अब फ्रिज में मिलेगा तो उसे हॉट कोल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, जब वो बाहर आती है आप उसको बाहर रखते हो आइस को, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है, क्यों, क्योंकि जितना भी अगल बगल का हॉट एटमॉस्फेयर होता है सारी हीट जो आपके अगल बगल रूम में होती है वो सारी हीट उस आइस की तरफ ट्रैवल करने लगती है जिसकी वजह से आइस पिघल जाती है, ठीक है। अब ये जो हीट होती है वो ट्रैवल कैसे करती है, किस मीडियम के थ्रू, वाया कैसे वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, तो किन किन प्रोसेस के थ्रू, एक कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, एक कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू और एक रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, बट नॉट इन दिस क्लास, इन फर्दर क्लासेस, ठीक है, नॉट इन फर्दर वीडियोस, सॉरी। सो टुडे वी हैव रेड अबाउट कि हमारा हीट, हाउ डज हीट ट्रैवल, मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है एंड डिस्टल थर्मामीटर क्या होता है, ठीक है। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होता है। टिल देन ये वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप एज पर यू विश। थैंक यू, नेवर एस।